क्लास एट वाले बच्चे ध्यान दें यार, हम लोग लेसन एट पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से लेसन एट है आपके चैप्टर में। और लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर पॉलीनोमियल, जैसे आप लोग पीछे हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक इक्वेशन, उसमें हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल पढ़े थे। मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होता है, वन होता है, उसको हम लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं। जैसे हम लोग अभी लिखते हैं कि एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ये लीनियर पॉलीनोमियल हो गया आपका। टू एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल हो गया। कोई भी मतलब वेरिएबल हो सकता है। टू वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, इसमें वाई का पावर कितना वेरिएबल का, वन है। तो इसको हम कैसे वेरिएबल को ऐसे, मतलब ये वेरिएबल कहाँ से जा रहा है, आप लोग जो अल्फाबेट हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड एबीसीडी उसको वेरिएबल कहते हैं, और जो नंबर्स होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। बताया गया आप लोगों को, जब हम न्यूमेरिकल मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन साथ यूज कर देते हैं, जिसमें वेरिएबल का पावर वन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं। वही लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ रूल्स है, इसमें आपको सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व करने से मतलब है जिस वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन रहेगा, आपको उस वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यू निकालने से मतलब है, जैसे ये एक्स में है तो इसमें हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आपका लीनियर इक्वेशन एक्स में, इसमें भी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वाई का दिया हुआ है तो इसमें हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो जिस जो है कि वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें हम सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू निकालते हैं उसे हम सॉल्विंग फॉर द लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं लीनियर इक्वेशन के। जैसे आपको अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है दिया हुआ है अगर, तो उसमें पहला जो रूल्स होता है उसका, अगर मान लीजिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दिया है आई प्लस माइनस सेवन इक्वल टू जीरो दिया, तो इस लीनियर इक्वेशन के देखिए दो साइड है आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया इधर, और ये क्या हो गया इधर बराबर दिया, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। तो इसके दोनों साइड पहला रूल है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड में कोई भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब जो जीरो न हो, नॉन जीरो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं और लीनियर इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे आपके पास फाइव एक्स प्लस माइनस सेवन है और इक्वल टू कितना है जीरो, तो अगर हम एक ही नंबर सेम नंबर अगर दोनों तरफ हम ऐड कर दें, मान लीजिए हम थ्री इधर भी ऐड कर दे रहे हैं प्लस थ्री इधर भी कर दे रहे हैं, तो आपका इक्वेशन मतलब इस सभी इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी उतनी ही रहेगी। आप उसको देख भी सकते हैं, जैसे फाइव प्लस प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री। अब ये नया इक्वेशन बन गया आपका, जब इसको इधर लाएंगे आप यहाँ पे एक्स रहेगा फाइव प्लस माइनस फोर, अब इधर लाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी फाइव एक्स और माइनस कितना हो जाएगा सेवन इक्वल टू जीरो, फिर से आपका यही इक्वेशन मिल गया, ठीक। यानी किसी भी कहने का मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन में आप सेम नॉन जीरो नंबर जो है कि नेगेटिव या पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा रूल्स है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में आप सेम नॉन जीरो नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, किसी भी लीनियर इक्वेशन में आप दोनों साइड जो है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसके लीनियर इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस डिवीजन के लिए भी होता है कि अगर आप कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसके सेम साइड दोनों साइड में सेम नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लीनियर इफेक्टेड कैन नॉट बी अफेक्टेड, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग एक बात इसमें पढ़ते हैं, ट्रांसपोजिंग की बात पढ़ते हैं। ट्रांसपोजिंग देखिए ये शब्द नया नहीं है, आप लोग सुने नहीं है, आप लोग ऐसा तमाम बातें जो है ट्रांसपोज करके मैथमेटिक्स में साफ करते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे मान लीजिए हमारे पास फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर दिया हुआ है आपको। अब देखिए ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम कुछ नंबर्स को या वेरिएबल्स के टर्म्स को या कांस्टेंट के टर्म्स को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसपोजिंग कहते हैं। और कोई भी नंबर या अल्फाबेट या वेरिएबल जब हम लेफ्ट से राइट ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट ले आते हैं तो उसमें क्या होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। यदि प्लस साइन है उसको हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसपोजिंग करते हैं। जैसे इसमें हम लोग आइए यूज करते हैं, जैसे अगर हमारा यहाँ बीच में इक्वल है और यह सारा टर्म्स को एक साथ करना चाह रहे हैं वेरिएबल टर्म को और कांस्टेंट वाला टर्म एक साथ करना चाह रहे हैं,
तो हम x को 2x को क्या करेंगे, राइट से क्या लाएंगे, लेफ्ट में, और नंबर जो 3 दिया है कांस्टेंट, इसको लेफ्ट जो कि लेफ्ट से कहां ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे। यहां पे जैसे 5x हो गया, अब 2x हम इस तरफ लाएंगे लेफ्ट में, तो ये -2x हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इसकी साइन क्या प्लस है। तो हम बताया कि जब ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका +2 है तो -2x हो गया इक्वल टू, यहां पे कितना बचा, -4। अब +3 को आप हम लोग राइट में ले जा रहे हैं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3। अब यहां से देखिए इक्वेशन क्या हो गया, 5x में से 2x माइनस कर दीजिए, 3x हो गया, -4 और -3 दोनों माइनस है, एड कर देंगे -7 आ गया। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7/3। ये आपका इक्वेशन का क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक, तो इस प्रकार आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ट्रांसपोजिंग का मतलब वही होता है, कोई भी नंबर से वेरिएबल रखकर हम लेफ्ट से राइट ले जाए, राइट से लेफ्ट ले जाए। ये एक्सरसाइज 8 हो गया आप लोगों का। अब इसमें ये कुछ इक्वेशंस, इसमें जो कुछ क्वेश्चन नंबर हम आपका लिखे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, और यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, इन्हीं सब क्वेश्चन पे बेस्ड है, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए 8x+3=27+2x। वेरिएबल हम क्या करेंगे, वेरिएबल और टर्म्स एक साथ लाके कांस्टेंट वाला एक साथ करेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोज करिए, 8x ये +2x इस तरफ लाएंगे, -2x=27, ये +3 है इसको राइट ले जाइए तो -3 हो जाएगा। 8x - 2x हो जाएगा 6x=27-3 करिए 24 हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 24/6, 6×4=24, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम चेक करके भी बता सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर आपका सही है कि गलत है। ठीक, एक क्वेश्चन का हम चेक करके बता दे रहे हैं, बाकी आप उसी मेथड से सबका चेक कर लेंगे। जैसे आपको जो इक्वेशन दिया गया है जो सॉल्व करना है, उसके दोनों साइड में x की वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे आपका इक्वेशन दिया है कितना, 8x+3=27+2x। अब जहां जहां पे x है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, वहां पे x की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू कितना आया, 4, 8×4 हो जाएगा, x है तो +3=27+2×4 हो जाएगा x की वैल्यू, यानी कि 8×4=32 हो गया, और +3=27+2×8 प्लस करिए इसको, 32 और 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 35=27 और 8 प्लस करिए कितना आ गया, 35। हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना आ गया, राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। तो आपका चेक हो गया कि आपने जो सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार आप सभी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट की मान बराबर आ जाएगा, तो आप जान लीजिए कि आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4 पर आते हैं, 9x+5=4(x-2+8). ये हो गया आपका 9x+5। देखिए ब्रैकेट हम लोग ऑफ करते हैं, जब भी आप ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो बाहर जो भी नंबर्स होता है उसके सभी मल्टीप्लाई होते हैं। 4 का आप x में करेंगे मल्टीप्लाई, 4x-4 2 8 और +8, यहाँ +8 है, देखिए -8 और +8 आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, कितना बचा आपके पास, 9x+5=4x। ट्रांसपोज करके हम लोग वेरिएबल टर्म्स एक साइड में लाएंगे तो 9x 4x इधर लाइए, -4x हो जाएगा, +5 हम लोग राइट में ले जाएंगे तो -5 हो गया। 9x में से 4x माइनस करेंगे हम लोग, 5x=-5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/5, 5 5 = 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 आ गई, जिससे आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसको आप इक्वेशन में रखकर उसका वैल्यू चेक कर सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, दोनों तरफ ब्रैकेट है, 8 हो गया, 3 ब्रैकेट में
5x माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9x माइनस 11 देखिए इक्वल टू दिया है, ये नीचे वाला भी टर्म से सीखा है, 4 ब्रैकेट में 8x माइनस 13 और माइनस कितना हो गया 17। पहला काम हम क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट को ऑफ करिए, ब्रैकेट के बारे में जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, 3 5 जा 15x माइनस 3 7 जा 21, फिर माइनस करिए 2 9 जा 18x माइनस माइनस प्लस 11 2 जा, देखिए यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे आप तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, 11 2 जा कितना हो गया 22 इक्वल टू, अब इसमें करिए 4 का मल्टीप्लाई 8 में, 8 4 जा 32x माइनस 13 4 जा 52, तो माइनस कितना है 17, ये देखिए x वाला एक साथ करिए 15x और माइनस 18x, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप कितना जाएगा माइनस 3x। नंबर फॉर्म में देखते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू, माइनस 21 और प्लस 22 है, प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 में से 21 1 बचेगा, सिंबल क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि 22 बड़ा है इसका साइन क्या है प्लस है, ये प्लस वन आ गया, इधर कितना बचा आपका ये 32x हो गया, देखिए दोनों माइनस है तो ऐड कर देंगे आप माइनस साइन लगाएंगे 9 हो गया और 6 हो गया। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे हम लोग, माइनस 3x इसको इस तरफ लाइए, माइनस 32x हो गया इक्वल टू माइनस 61 सॉरी माइनस 69 है ये, और ये प्लस वन उस तरफ ट्रांसपोज करिए तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस दोनों माइनस है प्लस कर देंगे आप 32 और 32 में 3 प्लस करिए माइनस 35x हो गया इक्वल टू, यहाँ पे ये भी माइनस है दोनों, ये माइनस कितना हो जाएगा 70, तो एक्स इक्वल टू हो गया आपका माइनस 70 अपॉन माइनस 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 टू या 70, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, पहले क्या करिए ब्रैकेट ऑफ करिए, फिर लाइक टर्म को लाइक टर्म साथ सेपरेट करेंगे और एड करेंगे, फिर जो है कि जो वेरिएबल एक तरफ हम करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे, फिर वहां से आपकी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और वहीं आपका सॉल्यूशन होगा। कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, 3 5 का 15x माइनस, अब 1 बचा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 1 का मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो साइन लेके चेंज हो जाएगा, ये माइनस x और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए या ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई करिए 6x हो गया प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 30, अब कैंसिल कर दीजिए 6 5 जा 30 कितना आ गया 15x में से 1x आप माइनस कर देंगे कितना हो गया 14x माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया है 6x प्लस 1 अपॉन 5 हो गया आपका। अब यहां से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जैसे इसका अपन आप 1 ले लेंगे तो यहां से 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 को इतना ही रहेगा इतना 14x माइनस 1 3 का मल्टीप्लाई करिए 3 6 जा 18x प्लस 3 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे 3 1 जा 3 अपॉन 5, अब वेरिएबल से एक तरफ कर दीजिए कांस्टेंट वाला एक तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, ये 14x माइनस 18x इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस वन तरफ हो जाएगी प्लस वन हो जाएगा, तो ये माइनस करिए आप तो माइनस कितना आ जाएगा आपका 4x आ जाएगा, ठीक तो ये 5 बन जाए 5 5 में 3 प्लस करिए 8 अपॉन 5 हो गया, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 4 बन जाए 4 4 2 जाए 8, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 अपॉन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऊपर कर दीजिएगा माइनस 2 अपॉन 5, ये एक्स की वैल्यू आपकी आ गई माइनस में दिया गई, अपॉन में भी आ सकता है और जो कि फ्रैक्शनल या रेशनल या इंटीजर किसी फॉर्म में आपका आंसर आ सकता है, इस प्रकार से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 दिया आपके बुक में, देखिए यहाँ पे अपॉन में दिया हुआ है यहाँ पे कोई नंबर नहीं आप इसको भी अपॉन वन मान लीजिए, अपॉन वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3x में करेंगे तो उतना ही आएगा 3x इक्वल टू माइनस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया जाएगा
कितना 5x प्लस 2 में, ये हो गया आपका 3x इक्वल टू माइनस 4 का 5 में करिए, 4 5 जा 20x माइनस और प्लस ये माइनस हो गया, 4 2 जा 8। अब वेरिएबल इस तरफ कर लीजिए, 3x इसको जब लाएंगे तो प्लस 20x हो जाएगा ठीक, और इक्वल टू कितना हो गया माइनस 8, दोनों प्लस एक्स जोड़ देंगे हम लोग, 23x इक्वल टू माइनस 8 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 23। ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी ठीक। आपको करना क्या है, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x हो गया 4 माइनस 4x मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे हम लोग, ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, फिर x वाला एक तरफ ट्रांसपोज कर लीजिए वेरिएबल कांस्टेंट को एक तरफ, फिर आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 इसका, ये दिया हुआ है आपका, क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए ठीक है, इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यानी 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 4x प्लस 7 इक्वल टू, अब इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4। क्वेश्चन सबके हो गए हैं, जरूरत नहीं है ठीक। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये हो रहा है 18, 26 जो है इसका 8 है का, अब मल्टीप्लाई ले देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, इसमें 3x लेंगे, 3x का मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, करिए 3 4 जा 12, x का इसमें करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21x प्लस 5 से करेंगे 5 4 जा 20x प्लस 5 7 जा 35, इसी प्रकार इसमें करिए 4 का 4x का दोनों में करेंगे 4 3 जा 12, x का इसमें होगा x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x प्लस 2 का 3 में करिए 2 3 जा 6x और प्लस 2 4 जा 8। ये आपका ये आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए 12x स्क्वायर दोनों साइड है, ये कैंसिल कर सकते हैं आप, इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x वाला वैल्यू 21x और 20x दोनों प्लस है तो आप प्लस कर देंगे 41x आ जाएगा और प्लस 35 इक्वल टू यहाँ भी दोनों प्लस है 16x और 6x कितना हो जाएगा 22x और प्लस 8, x वाला वैल्यू एक साथ करिए ये 41x इस तरफ इसको लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 22x इक्वल टू 8 और ये प्लस 35 उधर ट्रांसपोज करिए हम लोग माइनस 35 41 में से इसको माइनस करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 9 यहाँ पे माइनस मतलब 19x आ गया आपका और ये माइनस 35 और ये प्लस 8 है ना 35 में से 8 आप माइनस करेंगे माइनस कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा ठीक। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 27 अपॉन 19 ठीक, ये आपकी वैल्यू है जिसकी x की वैल्यू आ गया, फिर इस तरह से उसको आप ट्रांसपोज करके नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का था इसको ये खत्म हुआ आपका, अब इसमें 28 क्वेश्चन दिए हैं इसको सॉल्व करिएगा और एक्सरसाइज 8B का भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ठीक है, जो आएगा नहीं आएगा फिर आपको बताया जाएगा उसमें ठीक, और जो भी नए नए वीडियो आपको दिए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के तो उसको आप तक पहुंचे, इसलिए जरूरी है कि आप जो चैनल हम लोगों का चल रहा है विद्यालय की तरफ से जो है बनाया गया है हम लोगों का चैनल उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आप वीडियो चला गए होंगे उसमें आपको यूट्यूब में सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है उसको मतलब आप क्लिक करके वहां पे फिर बेल आइकन दबा लेंगे तो सभी नोटिफिकेशन तो जितने भी वीडियो आएंगे सभी आपको मिलती रहेंगी समय समय पे और आप आसानी से उसको हल करिए, जो प्रॉब्लम होता है फिर उसको आप पूछते रहिए।